तो गाइस 15,000 के प्राइस रेंज में स्मार्टफोन सर्च आउट कर रहे हो, कैमरा बेस्ट चाहिए, गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए, जब प्रीमियम डिजाइन लुक चाहिए, तो हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग आज मैं आपको बेस्ट स्मार्टफोन रेकमेंड करने वाला हूँ, वो भी 15,000 के प्राइस रेंज में। तो बात करते हैं स्मार्टफोन की, नंबर 3 से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 की बात करूं तो नंबर 3 पर मैंने रखा है सैमसंग की ओर से स्मार्टफोन। मैं बात करूं सैमसंग गैलेक्सी M14 की, 6GB रैम प्लस 128GB जो वेरिएंट है वो आपको 14,000 के प्राइस रेंज में अमेज़न पे अवेलेबल देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन मैं उन लोगों को रिकमेंड करता हूँ जिनको कैमरा बेस्ट चाहिए, बिग बैटरी चाहिए एंड सिक्योरिटी सिस्टम तगड़ा चाहिए, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी के बंदे स्मार्टफोन को मिस आउट बिल्कुल भी मत करना। बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की, 6.6 इंच के साथ आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 90 रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलेगी, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन मिल जाती है। डिस्प्ले क्वालिटी कहने की जरूरत नहीं है भाई, डिस्प्ले जो सैमसंग के स्मार्टफोन होती है ना, इनकी खास बात ये होती है कि इनका लुक, इनकी डिस्प्ले एंड बिग बैटरी, हर एक स्मार्टफोन में आपको ये चीज़ मिल जाती है। CPU की बात करूँ तो Exynos 13 देखने को मिलेगा, 5nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो आपको Android 13 देखने को मिल जाता है, 6000mAh की बैटरी है, मतलब 2 दिन कहीं नहीं गए, जितना यूज करना चाहते तो कर सकते हो। 25 वॉट के साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। 3 कलर्स में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, ट्रिपल कैमरा स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है, 15MP के साथ मेन कैमरा, 8MP के साथ अल्ट्रा वाइड एंड 2MP के साथ आपको मैक्रो कैमरा मिल जाता है, 13MP के साथ सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो ये थे इसके मेन स्पेसिफिकेशन, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता दिया था। अगर आपको कैमरा बेस्ट चाहिए, बिग बैटरी चाहिए, जस्ट सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा चाहिए, तो इस स्मार्टफोन को बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ चेकआउट करो, बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो। आगे बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 की बात करूं तो नंबर 2 पर मैंने रखा है मेड इन इंडिया स्मार्टफोन। मैं बात कर रहा हूं लावा स्टॉर्म की। तो यार अगर आपको एक प्रीमियम स्मार्टफोन चाहिए, इस स्मार्टफोन को बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। अगर मैं स्मार्टफोन की बात करूं, 8GB रैम प्लस 128GB जो वेरिएंट है वो आपको 13,500 के प्राइस रेंज में Amazon पे अवेलेबल देखने को मिलेगा। इसकी प्लस पॉइंट ये भी देखने को मिलता है कि 8GB रैम मिल जाती है, रैम को अपग्रेड कर सकती हो। स्मार्टफोन की बात करूं तो प्रीमियम ग्लास बैक के साथ देखने को मिलेगा। इसका एक ना कलर आता है ग्रीन कलर में, वो कलर स्मार्टफोन को इतना ज़्यादा सूट करता है ना भाई, वैसे 2 कलर्स में ये आपको स्मार्टफोन देखने को मिलता है। अगर बाय करना चाहते हो तो ग्रीन कलर बाय करना। स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, 6.78 इंच के साथ आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगी, फुल HD प्लस डिस्प्ले, 120 रिफ्रेश रेट के साथ, डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी होने वाली है, मीडियाटेक की ओर से प्रोसेसर मिल जाता है, मीडियाटेक डिमेंसिटी 1618 देखने को मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13, 5000mAh की बैटरी है, 33 वॉट्स के साथ चार्जिंग सपोर्ट करती है, डुअल कैमरा देखने को मिल जाता है, 50MP के साथ मेन कैमरा एंड 8MP के साथ अल्ट्रा वाइड, 16MP के साथ आपको सेल्फी देखने को मिल जाती है। तो ये इसके मेन स्पेसिफिकेशन थी। ये स्मार्टफोन आप तभी बाय करना भाई अगर आपको मेड इन इंडिया स्मार्टफोन चाहिए, प्लस भाई अगर आपको एक प्रीमियम स्मार्टफोन चाहिए, मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड इसका लुक, इसके कलर बहुत ज्यादा प्यारे आते हैं भाई, इतने प्राइस रेंज में, मतलब 14-13 हज़ार के प्राइस रेंज में देखने को मिलता है। वैसे ये 13,000 के प्राइस रेंज में भी मिल सकता है, 14,000 के प्राइस रेंज में भी मिल सकता है, इतने कम प्राइस रेंज में एक प्रीमियम स्मार्टफोन मिल रहा है। तो बाय करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूं तो नंबर 1 पर मैंने रखा है, अगर आपको ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए तो रेडमी नोट 12 5G को चेकआउट कर लेना, 6GB रैम प्लस 128GB जो वेरिएंट है वो आपको 16,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। अगर आपको कैमरा भी बेस्ट चाहिए, गेमिंग भी करना चाहते हो, डिस्प्ले तगड़ी चाहिए, तो आप इस स्मार्टफोन को बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। इसका भी मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, 6.67 इंच के साथ आपको AMOLED डिस्प्ले मिलेगी, 120 रिफ्रेश रेट के साथ। अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह देखने के ज्यादा शौकीन हो, मूवीज देखने के ज्यादा शौकीन हो, इस स्मार्टफोन को बिल्कुल भी मिस आउट मत करना, बिकॉज डिस्प्ले सबसे ज्यादा अच्छी है। जितने पहले स्मार्टफोन बताए हैं उन सभी में से कंपैरिजन किया जाए, AMOLED डिस्प्ले यार आपको भी अंदाजा हो गया होगा। स्नैपड्रैगन 685 इसमें CPU मिलेगा, 6nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13, 5000mAh की बैटरी है, 33 वॉट्स के साथ चार्जिंग सपोर्ट करती है, ट्रिपल कैमरा मिलेगा, 8MP के साथ अल्ट्रा वाइड, 2MP के साथ मैक्रो, 13MP के साथ सेल्फी। प्लस पॉइंट की बात करते हैं, IP58.3 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, मतलब ये वाटर रेजिस्टेंट होने वाला है, IR ब्लास्टर मिल जाता है। तो अगर आपको AC वगैरह यूज करना है इसके साथ, या TV वगैरह यूज करना है, वो भी कर सकोगे। डार्क कलर में आपको अवेलेबल देखने को मिल जाता है।
तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको रेडमी नोट 12 5G के भी बता दिया। ये स्मार्टफोन भी ऑलराउंडर देखा जाए तो बहुत तगड़ा है। तो 15,000 के प्राइस रेंज में इन तीनों में से ही आप एक स्मार्टफोन बाय करना, किसी और ब्रांड की और या कोई और फोन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इन तीनों में से ही कोई बाय कर सकते हो। मैं आप पर जोड़ता हूँ, जो आपको सही लग रहा है, आपके बजट रेंज में सेट बैठता है, आप उसके और जा सकते हो। तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यार अभी मेरी वीडियो ना यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। थैंक यू।